और चलिए भोपाल का रुख करेंगे जहां से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां महापौर निर्वाचन अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तो राज्यपाल ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी के साथ इस अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। तो अब मध्य प्रदेश में महापौर का सीधा निर्वाचन नहीं होगा, अब पार्षद ही महापौर को चुनेंगे। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं और महापौर अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। तो अब इसके साथ महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा किया जाएगा, ना ही प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा। विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष जी, ये तो पहले से ही तय था जब से कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ था कि यही होना है, और बीजेपी की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। आशीष जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए, अध्यादेश पर राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाना था। कल रात सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी और मुलाकात के बाद बिल पर आपसी सहमति बन गई थी। पीसी शर्मा जनसंपर्क मंत्री है, इनका साफ तौर पर कहना है, उन्होंने राज्यपाल को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस प्रणाली से क्षेत्र का बेहतर विकास हो सकेगा। पार्षद जब महापौर का चुनाव करेंगे तो पार्षदों को पता होता है कि उनके वार्ड में विकास किस तरह से होना है, और छोटे छोटे वार्ड जब बन जाएंगे तो बहुत आसानी से शहर का विकास हो सकेगा। और इस पूरे ही अध्यादेश को लेकर उन्होंने राज्यपाल को शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के विकास में राज्यपाल का योगदान मिलता रहेगा। जी, लेकिन अब आगे क्या होगा? आशीष जी, बीजेपी जो कोशिशें कर रही थी, राज्यपाल से मुलाकात की गई, लगातार बयानबाजियां भी उनके द्वारा की गई, वो सारी फेल हो गई, लेकिन अब आगे बीजेपी के पास क्या कोई रास्ता बचता है? देखिए, ये राज्यपाल एक का पद संवैधानिक होता है और राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेते हैं कि किस अध्यादेश को उन्हें पारित करना है या नहीं करना है। सभी तर्कों के आधार पर महामहिम राज्यपाल ने यह फैसला लिया होगा। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी इसका विरोध कर रही थी और बीजेपी के जो नेता हैं वो एक बार कोर्ट में जाने की बात भी कर रहे थे। अब इस मंजूरी के बाद बीजेपी का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लगता है संपर्क हमारे उनसे टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि कल ही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने मुलाकात की थी राज्यपाल लालजी टंडन से, इसके बाद शाम के समय सीएम कमलनाथ भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन आज आसार भी लग रहे थे कि फैसला आ जाएगा। फैसला आ चुका है कि राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यपाल लालजी टंडन, जिन्होंने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, और अब मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव सीधे तौर पर यानी प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं होगा। अब तक जनता अपने महापौर को चुनती थी, लेकिन अब पार्षद अपने महापौर को चुनेंगे। और आपको बता दें कि जब से ये प्रस्ताव पास हुआ है तभी से लगातार इसको लेकर बयानबाजी की जा रही थी। इसके बाद राज्यसभा सांसद विवेक तनख्वा ने भी इस पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल विपक्ष की सुने लेकिन अपना राजधर्म भी निभाएं, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। हालांकि सीएम कमलनाथ ने इसे विवेक तनख्वा की निजी राय बताया था, लेकिन अब इस अध्यादेश को मंजूरी दी जा चुकी है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से इस अध्यादेश पर लगातार विरोध किया जा रहा था, उनकी तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अध्यादेश है, ये जो नया कह सकते हैं प्रस्ताव है, इसकी जो खबर है वो बीजेपी हाईकमान को भी लग गई है, और जेपी नड्डा ने भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी, उनसे सवाल जवाब किए गए थे। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे मांग की गई रद्द करने की। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ सरकार पराजय से डर रही है, और आपको बता दें कि ये भी कहना है बीजेपी का कि इससे खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी, पार्षदों की खरीद फरोख्त में बढ़ोतरी हो जाएगी, और यही डर बीजेपी को सता रहा था, लेकिन अब वो बात सच हो गई है और राज्यपाल ने इस हस्ताक्षर पर मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट जाने का रास्ता जरूर बीजेपी के पास है, लेकिन और ये
चेतावनी भी बीजेपी की तरफ से दी गई थी, लेकिन इस रास्ते पर बीजेपी चलती है या नहीं ये देखने वाली बात है।